नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्रोनॉमी जर्नल में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस चैनल पर हम लोग कृषि से संबंधित जानकारी आपको प्रदान करते हैं, तो इसी क्रम में मैं आज आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ। इसका टाइटल है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इसको हिंदी में कहते हैं एकीकृत पोषक प्रबंधन। प्राय यह देखा गया है कि किसी भी फसल की अच्छी ग्रोथ और बढ़ाव के लिए सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, उसके अच्छे ग्रोथ और बढ़ाव के लिए। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट रिफर्स टू मेंटेनेंस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। इसमें हम लोग को मेंटेन करना है सॉइल की फर्टिलिटी को। एंड सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती है? द इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ द सॉइल टू प्रोवाइड ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। दैट कैपेसिटी और दैट एबिलिटी ऑफ सॉइल इज नोन एज सॉइल फर्टिलिटी। मतलब मृदा की वह क्षमता जो पौधों को उनकी आवश्यकता के अनुसार, मतलब जितनी उनकी रिक्वायरमेंट होगी, जो पोषक तत्व प्रदान करता है, मृदा की उस क्षमता को हम लोग मृदा उर्वरता या सॉइल फर्टिलिटी कहते हैं। तो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में हम लोग को मृदा की उर्वरा शक्ति को बना के रखना है, मेंटेन करना है। एंड प्लांट न्यूट्रिएंट सप्लाई, और जो प्लांट के न्यूट्रिएंट का सप्लाई हो कर रहे हैं हम लोग, जो चैनल है उसको हम लोग मेंटेन करना है, उसको भी बनाए रखना है, सप्लाई करना है टू एन ऑप्टिमम लेवल। इसका मतलब ऑप्टिमम लेवल मतलब यहाँ पे क्या है, मतलब कि ना हम लोग को बहुत ही ज्यादा सप्लाई करना है, ना हम लोग को बहुत ही कम सप्लाई करना है। अगर हम लोग न्यूट्रिएंट की सप्लाई ज्यादा कर देंगे तो हो सकता है टॉक्सिसिटी आ जाए, क्योंकि ज्यादा न्यूट्रिएंट भी कभी कभी बहुत ही नुकसान पहुंचाता है हमारे मुख्य फसल को। तो हम लोग को ना बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिएंट सप्लाई करना है, ना बहुत ही कम, ऑप्टिमम लेवल में, मतलब उपयुक्त जो होगा उसी लेवल पर हम लोग को न्यूट्रिएंट सप्लाई करना है फॉर सस्टेनिंग द डिजायर्ड क्रॉप प्रोडक्टिविटी। क्यों करना है? जिससे जो हम लोग जो चाहते हैं प्रोडक्शन, जो हम लोग चाहते हैं डिजायर्ड, मतलब कि बहुत ज्यादा हम लोग को प्रोडक्शन, ऐसा नहीं करना कि लगातार हम लोग ज्यादा प्रोडक्शन लेते जा रहे हैं, उससे ये होगा कि न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी। तो जो हम लोग की डिजायर्ड है प्रोडक्शन की, उसको हम लोग को प्राप्त करना है। क्रॉप प्रोडक्टिविटी थ्रू ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द बेनिफिट फ्रॉम ऑल पॉसिबल सोर्सेस। और यह सॉइल की फर्टिलिटी हम लोग कैसे बना के रख सकते हैं, न्यूट्रिएंट सप्लाई कैसे कर सकते हैं, जितने भी संसाधन हम लोग के पास हैं उनको हम लोग को इंटीग्रेट करना है, उसको जोड़ के हम लोग को ऐसा मैनेजमेंट करना है कि न्यूट्रिएंट की सप्लाई बनी रहे और सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंप्रूव हम लोग कर सकते हैं। बेनिफिट फ्रॉम ऑल पॉसिबल सोर्सेस ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट इन एन इंटीग्रेटेड मैनर। इसका मतलब यह है कि हम लोग को न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करना है, सॉइल की फर्टिलिटी को भी बनाए रखना है। कैसे हम लोग कर सकते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, मतलब कि अगर हम लोग ऑर्गेनिक मेथड से न्यूट्रिएंट दे रहे हैं, जैसे कि FYM हो गया, कंपोस्ट हो गया, मैन्योर हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, इससे भी हम लोग न्यूट्रिएंट की सप्लाई करते हैं। और इनऑर्गेनिक मेथड हो गया, जैसे फर्टिलाइजर्स हो गए, अमेंडमेंट हो गए, इससे भी हम लोग फर्टिलाइजर प्रोवाइड कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहे हैं। और उसके साथ साथ बायो फर्टिलाइजर, हम लोग बायो फर्टिलाइजर जैसे PSB हो गया, एजोला हो गया, इन सब चीजों से हम लोग फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। तो इस सिस्टम को, जिसमें हम लोग बहुत तरीके से इंटीग्रेटेड मैनर से न्यूट्रन को सप्लाई करते हैं, उस सिस्टम को हम लोग इंटीग्रेटेड न्यूट्रन मैनर कहते हैं।